आइए फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन की तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पैनिक अटैक से छुटकारा कैसे पाना, इसके बारे में आज के वीडियो में फिर से एक बार जानकारी दे रहा हूँ। एकदम सादे सिंपल उपाय है, उपचार है एकदम, और वो देखिएगा तो आप जिनको भी पैनिक अटैक आता है वो उससे छुटकारा पा सकते हैं। आजकल के भागदौड़ की दुनिया में लोग भागम भागी कर रहे हैं। सुबह से शाम तक भागम भाग चालू है, इधर से उधर, उधर से इधर चालू है, और उसमें फिर दिल घबराना, बेचैनी होना, ये तो बहुत नेचुरल होता है। मगर ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाती है, और फिर ज़्यादा होने के बाद में फिर ये पैनिक अटैक के रूप में दिखाई देती है। आँखों के सामने अंधेरा आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, हाथ कांपना, खुद मर जाएंगे ऐसा डर या भय लगना कि अभी मैं खुद मर जाऊंगा ऐसा डर या भय लगना, और फिर घबराहट बेचैनी से इतना परेशान हो जाना कि ऐसा लगता है कि आदमी को कुछ तो भी हुआ है और अभी ये गिर जाएगा, उस ये मर जाएगा, मतलब उसको खुद को भी ऐसा लगता है कि अपन मर जाएंगे और अपने को भी लगता है कि कुछ तो भी हो गया और अभी ये अटैक आके मर जाएगा। अति व्यस्त होने के कारण 25 से 40 साल के उम्र के लोगों को ये बीमारी अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। स्पेशली IT में काम करने वाले लोग जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे तक काम करते रहते हैं और टारगेट 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 के पीछे रहते हैं, उनको तो ये ज़्यादा ही दिखाई देता है। और ये कभी कभी फिर सोशल एंग्जाइटी के रूप में भी दिखाई देता है कि बाहर जाना आना बंद हो जाना, लोगों में जाना और उनसे मिलना ये बंद हो जाता है, और आदमी या व्यक्ति वो बाहर जाने को भी डरता है। तो भी देखते हैं कि इसके लिए सर्वसाधारण घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं। पैनिक अटैक आने के बाद में तो समझता ही नहीं, सोचता भी नहीं है। ना होने के लिए क्या है, ना होने के लिए तनाव से मुक्त कैसे रहना या तनाव आने पर भी उसका सामना कैसे करना, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। सबके साथ में मिलना जुलना, घूमना फिरना, उत्सव में शामिल होना, रोज़ सुबह उठ के कसरत करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान धारणा करना, मेडिटेशन करना और रोज़ एक्सरसाइज करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 या 8 घंटे की नींद ये यदि हम लेते हैं बराबर, तो उसमें भी पैनिक अटैक को काफ़ी सारा फायदा दिखाई देता है। पैनिक अटैक आने पर खुद को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अटैक आता है उस समय एक शांत जगह बैठना, लंबी लंबी सांस लेना और छोड़ना, और अपने सांस के ऊपर ध्यान रखना। सांस दीर्घ श्वास अंदर लेना और आराम से सांस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ठंडा पानी पीना, 1 गिलास या 2 गिलास ठंडा पानी आराम आराम से पीना, फिर उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ये भी देखना ज़रूरी है कि ये पैनिक अटैक हमें क्यों आ रहे हैं, ये देखना, उसके मूल कारण के तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। भूतकाल में कुछ तो भी ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो एक दहशत बैठ गई, जिसकी वजह से वो एक डर बैठ गया कि मैं मर जाऊँगा। हो सकता है कि इसकी मृत्यु देखी होंगी अचानक, हो सकता है कि किसको अटैक आया हुआ देखा होगा, या हो सकता है कि ऐसी कुछ तो भी ऐसा बहुत बड़ा असफलता, बहुत बड़ी असफलता आई होंगी जहाँ लोग हंसे होंगे, जहाँ लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, तो ऐसा कुछ तो भी अतीत में हुआ है। अल्कोहल जो है, शराब पीना, ये भी टालना चाहिए। नींद अच्छी लेना बहुत ही ज़रूरी है, कि बहुत अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, और शराब का सेवन करना, सिगरेट बीड़ी का सेवन करना, ये भी पैनिक अटैक के लिए या पैनिक अटैक को बढ़ावा देने के लिए कारणीभूत होता है। तनाव नहीं लेना या तनाव को कम करना ये संभव नहीं है आजकल की भागम भाग भाग दौड़ की दुनिया में। तनाव तो आएगा ही, हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा काम ऐसा है, हमारी सर्विस नौकरी ऐसी है कि वहाँ तनाव आ सकता है। तनाव का सामना कैसे करना वो सीखना ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, मानसोपचार, सम्मोहन उपचार इसमें काम में आता है, जहाँ ब्रेन का डिसेंसिटाइजेशन हम करवाते हैं। ब्रेन को जो सेंसिटाइज हुआ है, ब्रेन भेजा अपना, तो जो सेंसिटाइजेशन जो हुआ है वो निकालना, और यह विजुअलाइजेशन के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कि जो दवाई हम एक तो रोज़ लेते हैं यदि रोज़ तकलीफ हो रही है तो, या फिर पैनिक अटैक आने के बाद जबान के नीचे यदि कोई ऐसी गोलियाँ आती है वो रखते हैं हम, तो वो तुरंत पिघल जाती है और वह अटैक जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ लेना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम पैनिक अटैक से
बच सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, या पैनिक अटैक ना आए या उसे क्योर कैसा पाएँ वो भी हम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन आता है उसको भी क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।